आप आए थे मेरे साथ, वो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे जैसे है ना, ये बिल्कुल फ्रांसी है, ये तो फ्रांसी लगते हैं मुझे। हाँ जी, डायमंड तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये, इसमें बहुत अच्छे। हेलो हेलो, ये बेल्जियम कट है और ये ब्लू प्योर डायमंड। अच्छा, मेरा ताल्लुक बेल्जियम से है और आप तो जानते हैं कि बेल्जियम कितना खूबसूरत शहर है और वहां के डायमंड भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जी हाँ, आप क्या जौहरी हैं? जी हाँ, इस डिस्प्ले में कुछ डायमंड्स मेरे भी हैं। ये रहा मेरा कार्ड। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, वैसे मुझे भी कुछ शौक है डायमंड्स कलेक्ट करने का। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छे डायमंड्स चाहिए देन आई कैन शो यू वेरी वेरी गुड पीसेस। बस यही हीरे है आपके पास? जी। अच्छा, वैसे इसकी क्या कीमत होगी? पाकिस्तानी करेंसी में 2 लाख रुपए। ओ, 2 लाख। इरादा तो था कोई महंगा हीरा खरीदने का, क्योंकि आपके पास यही है तो यही सही। आह, किस्म के चालाक है आप। आपने भी उस हीरे पर हाथ डाला है जो हीरों का भी हीरा है। एनी हाउ, गुड लक टू यू। थैंक यू। ये रहे 2 लाख, गिन लीजिए। हीरो का कारोबार करने वाले कागज नहीं गिना करते। कौन नंबर गया आपका? सर, ये नोट तो जाली है। जाली है? ये हीरा तो बहुत कीमती है। असली नहीं है, नकली है। नकली? तो तय है कि हम दोनों ही सांप हैं। अगर एक दूसरे को डसते रहे तो जहर किसी को नहीं चढ़ेगा, समझे? तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों का जहर कानून को चढ़े, और वो ये सब इस तरह हो सकता है कि हम दोनों एक हो जाएं। गुड लक। गुड लक। आपका फोन। मेरा फोन? हेलो सर, बैंक डकैती के मफूर बलूका का पता चल गया है। वो इस वक्त ब्लू पिजारो में हाईवे पर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इस शहर से एस्केप करने का इरादा है उसका। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं।
सॉरी पुलिस वाले साहब, पता है क्या हुआ? असल में गाड़ी जाग रही थी और मैं सो रहा था। तुम जैसे सोते हुए मुजरिमों को जगाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझे? मैं भी जानता हूँ। मेरे पेट में गिड़गिड़ हो रही है, मैं जरा गड़बड़ कर लूँ। सर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। क्या होगा? 4:05 बस 25 मिनट की कैद। 25 मिनट बाद ये ताला इन्हीं हाथों से खुलेगा। नहीं, ये हाथ तेरे लिए फांसी का फंदा बन सकते हैं, ये हाथ तेरी आंखें निकाल सकते हैं, ये हाथ तुझे सजा दे सकते हैं, तुझे आजाद नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सर आजाद तो इन्हें अब करना होगा। ये रहा इनका जमानतनामा, तो किसी बड़े आदमी की जमानत पर इनके लिए अदालत से जारी हुआ। हवलदार। यस सर। ताला खोल दो। क्यों दीप्ति साहब, ताला खुद खोलते हुए शर्म आती है क्या? बकवास मत कर। मैं आपका अपने क्लाइंट पर तशद्दुद करने की इजाजत आपके से दूंगा। आप इजाजत की बात करते हैं, मेरा बस चले तो मैं इसे जिंदा दफन कर दूं। जरूर दफन कर देना, मैं वहां से भी कफन फाड़ के बाहर आ जाऊंगा। ऐसे है लगता है तेरे साथ एक मुलाकात फिर होगी। शट अप। बेटा जमानत होगी तो क्या हुआ? रिहाई के ऑर्डर करने वाले भी तो तुम्हारी तरह कानून के आदमी हैं। कानून अंधा होता है माँ, और यही वजह है कि मुजरिम हमारे कानून के अंधेपन का फायदा उठाकर निकल जाता है। मैं चाहता हूँ मुजरिम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे किसी भी जमानत पर रिहा नहीं होना चाहिए। ये जहाँ जुर्म करे वही अदालत लगे और वही उसकी सजा सुनाई जाए, ताकि उसे बचाने वाला कोई भी बड़ा आदमी वकीलों का सहारा लेकर कानून की कमजोरियों तक न पहुंच सके। और ये डाकू स्मगलर चोर कानून की गिरफ्त से भाग न सके। अंदर मुंह आगे आ रहा हूँ सर, मैं जरा मुश्किल में हूँ, थोड़ी देर बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा। हीरे यार क्या है, कौन हो तुम? जा थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही चला जाऊंगा सर, प्लीज प्लीज। कौन हो तुम? ये बात है, हेलो बोलो जी, फरमाइए कौन है आप? ऊंट की तरह मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हैं, कौन है? इंस्पेक्टर FIA जब्बार खान। सही है, मैं भी कितना खोता हूँ आपको पहचान ही नहीं सका, फरमाइए। मैं चोर का पीछा कर रहा हूँ जो 5 लाख रुपए के हीरे चुरा कर भागा है, सफेद सूट और पीली कमीज पहन रखी है। 5 लाख इधर तो
नहीं नहीं ऐसा कोई आदमी इधर नहीं आया जी। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे पान पेश करूं। शुक्रिया शुक्रिया। 5 लाख के हीरे मुझे दे दो ये हीरे। कहां से लाए हो ये हीरे, कहां कहां से इकट्ठे किए हैं ये हीरे, मेरे हवाले कर दो ये हीरे। मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? ये मेरी मिल्कियत है। मिल्कियत नहीं, ये चोरी का माल है। आपको किसने बताया? अभी अभी एक पीए वाला आया था। पीए वाला नहीं, एफआईए वाला। जो भी वाला है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उसके हवाले ना करूं तो ये हीरे मेरे हवाले कर दो। ये मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, मैं आपको नहीं दूंगा। नहीं कर सकते, अभी देखता हूँ कैसे नहीं करता। नहीं देता हीरे, ये नहीं देता हीरे। अभी लूंगा हीरे, मैं अभी लूंगा हीरे। 2 लाख हीरे मेरे हवाले कर दो। 5 लाख के हीरे आप 2 लाख में खरीदना चाहते हैं? है तो चोरी का माल। हाँ है तो चोरी का माल। और मैं चोरी का माल खरीदता हूँ, देते हो या बुलाऊं पीआईए वाला? पीआईए वाला नहीं, एफआईए वाला। मर गए। कोई अपनी जगह से ना हिले। चोरी का माल बेचना भी जुर्म है और खरीदना भी जुर्म है, और तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उठो, माफी नहीं मिलेगी, तुम दोनों को जेल जाना होगा। सर देखिए ना, मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन सेठ साहब एक बाइज्जत आदमी है, अगर जेल चले गए तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सर काबिल नहीं रहेंगे, इनका मुंह काला हो जाएगा। काला हो जाएगा इनके मुंह का, नहीं तो कम से कम इनकी टोन का ख्याल कर लीजिए सर। किसी खाते पीते खानदान के लगते हैं। क्यों सेठ जी, ठीक कह रहे हो ना? बिल्कुल ठीक कह रहा है, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा नहीं, बात अभी होगी। क्यों नहीं होगी सर, अभी हो जाएगी, अभी होगी। इधर आओ सर, इधर आओ। रिश्वत मांगता है, रिश्वत रिश्वत रिश्वत। बात चलाओ, शक्ल से रिश्वत खोर लगता है, पर हाथ जरा हौला रखना, मुझे जेल ना जाने देना। ठीक है यार, इधर आओ। सर ये 2 लाख रुपये आप रख लीजिए। लीजिए 2 लाख। बल्कि ये हीरे भी आप रख लीजिए सर। हीरे रख लीजिए, बल्कि ये ब्रीफ केस भी ले। अभी छोड़ के जेल जाना है। अच्छा लगा, इन दोनों को जो कुछ है आप रख ले। तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? रिश्वत नहीं सर, ये तो बच्चों के लिए मिठाई, बच्चों के लिए मिठाई है। मिठाई मिठाई? इतने बड़े जुर्म की इतनी थोड़ी सी मिठाई? सर जी आपके बच्चे सोने के लड्डू खाते हैं। चुप। और वैसे तुम्हें तो मेरे साथ जेल जाना होगा। खैर मैं तो जेल चला ही जाऊंगा सर। चलो सेठ साहब, चलता हूँ। चलो जाओ जाओ, मेरे 5 लाख, मेरे 5 लाख। बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है। वैसे उस मोटे को धोखा देना आसान काम नहीं था। अरे एक्टिंग वैक्टिंग की छोड़ो यार, असली पुलिस आ जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कोई लेने के देने नहीं पड़ जाएंगे। खबरदार भाई, भागने की कोशिश ना करना, गिरफ्तार कर लो दोनों फरारियों को। तुम इधर ही बैठो, हम अभी आते हैं, आओ मेरे साथ। सर यह आपका खत। ताऊन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूसरे पुलिस वाले भी मेरे अपने थे। अच्छी एक्टिंग के इनाम में 100 रुपया भिजवा रहा हूँ, कबूल फरमाइए। साल 420।
हमारा सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर सब पे। खान साहब ये आंसू पत्थर पर भी गिरे तो पत्थर भी टूट जाए। ए चुकरालो, तुम कौन है? अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपकी मासूमियत और आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस जालिम पठान के 5 लाख इसके मुंह पर मारकर आपके आंसू पोंछ डालूं। ए, 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 पैसा तो दिया नहीं और आंसू पूछता है। अरे जालिम का बच्चा, पहले तो हमारा रकम क्यों? अभी देता है तुमको तुम्हारा रकम। पूरा 5 लाख नहीं, नहीं, मैं इतने पैसे कैसे ले लूं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। जानती हो जाएगी। पूरा 5 लाख रुपया। हमको तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरे यकीन है। बाबू साहब सलाम अलैकुम। ये मेरा कार्ड है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। मिलेंगे जरूर। अरे जरूर मिलेंगे। मिलने के लिए तो 6 लाख की चीज 5 लाख में खरीदी है। मालिक नॉय। यस। ये गाड़ी तेरी है? जी ये गाड़ी मेरी है, पूरे 5 लाख के लिए। ये गाड़ी चोरी की है। चोरी की? जी हाँ। नहीं नहीं, ये चोरी की नहीं हो सकती, ये गाड़ी मेरी है। ये देखिए मेरे पास लेटर है, ट्रांसफर लेटर। अबे ओ प्रिंस के बच्चे, जिसे कहते हैं नहले पे डहला, मैं तो तुझे 100 रुपये भी नहीं दूंगा इसलिए कि तूने एक्टिंग अच्छी नहीं की। बाय बाय। मिस्टर जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? जी हाँ थाने। थाने किस लिए? ये बात साबित करने के लिए कि ये गाड़ी चोरी की नहीं है। ओ, चलना पड़ेगा। आप कहते हैं तो थाने जाना पड़ेगा। जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। इतनी बड़ी जगह जाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और हिम्मत इस वक्त मेरे पास नहीं है। देखिए अगर आप इजाजत दें तो मैं ओपन एयर टॉयलेट। देखिए आप फिक्र ना करें, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे मौके पर तो बड़े बड़े लोगों का मेरा मतलब है कि प्लीज। मामूल सैन। यस सर। इसे हथकड़ी लगाओ और साथ ले जाओ। हैं? तो फिर मैं कैसे, मेरा मतलब, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, मुंह तरफ। मामूल सैन। यस सर। इतनी देर क्यों हो गई है भाई? देखता हूं। सर वो तो भाग गया है, इसे छोड़ गया है। जाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में, आज तू जाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में, आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले कौन है कितने पानी में। पल में आग लगा दूंगा तेरी जिंदगानी में,
पल में आग लगा दूंगा तेरी जिंदगानी में, आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले कौन है कितने पानी में। आज तो साया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में, जेल में मैं भिजवा दूंगा, तुझे जेल में मैं भिजवा दूंगा, मैं दरिया में तुझको बहा दूंगा, नामो निशान मिलेगा नहीं तेरा किसी कहानी में। आज तू जाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में, ख्वाब तेरे जल जाएंगे, सब ख्वाब तेरे जल जाएंगे, ओ तेरी लाश को कौवे खाएंगे। आऊंगा मैं भेस बदल कर तेरी पात है पानी में। आज तो साया हो जाएगा मुझसे भरी जबानी में, आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले कौन है कितने पानी में। पल में आग लगा दूंगा तेरी जिंदगानी में, आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले कौन है कितने पानी में। आज तू जाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में।
कब से कर रहे हो ये काम? अब कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहब? अगर हम दोनों ऐसा काम कर रहे होते तो इन आदि मुजरिमों में हमारी भी तस्वीरें लगी होती। क्यों भाई? ठीक है भाई, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते आईजी साहब, और ना ही आपकी किसी किताब में कोई ऐसी बात दर्ज है जो हमें मुजरिम साबित कर सके। राइट। आप एक रवायती पुलिस वालों की तरह किसी और का जुर्म हमारे सर थोपना चाहते हैं। यस। और वैसे भी आपके महकमे की कुछ आदत सी हो गई है, जुर्म करे टोपी वाला और पकड़ा जाए सूटों वाला। क्यों भाई? आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए डिप्टी साहब, ये तो यूं ही बकवास करता रहता है। सच्ची बात तो यह है कि जितनी ईमानदारी मैंने पुलिस के डिपार्टमेंट में देखी है उतनी ईमानदारी तो कस्टम के डिपार्टमेंट में भी नजर नहीं आती। लेकिन कभी कभी गलत हाथ भी तो पड़ जाता है ना, आप भी तो इंसान है। क्यों भाई? ठीक है भाई। सच्ची बात बता दूं डिप्टी साहब, हम दोनों छत पर ईद का चांद देखने गए थे, आप समझ रहे ना हवलदार साहब? डराने की नहीं हो रही। याद रखो, मैं हर जुर्म के लिए मौत और हर मुजरिम के लिए इब्रत का निशान हूं। वो तो आप नजर ही आ रहे हैं सर, लेकिन सर हम लोग तो नहायत ही शरीफ किस्म के लोग हैं, आप हमें खामखाई मुजरिम मुजरिम कह जा रहे हैं। नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि हम मुजरिम? बकवास बंद करो, पीछे हट के बात करो। आइए, जरा पहचानिए तो, क्या ये वही दो आदमी तो नहीं जिन्होंने आपसे फ्रॉड करके आपकी रकम हथिया ली है? इनको पता नहीं है ना यार, सबूत मांग लो, सबूत मांग लो। हमारे अंकल आ गए, अंकल हमें पहचान लिए, और इन्हें बताइए कि हम कितने शरीफ बच्चे हैं, और बताइए कि आप हमें कितना लव करते हैं ना, आप हमसे लव करते हैं ना। अगर आपने हमारी असलियत बता दी तो हम तो अंदर जाएंगे ही, लेकिन तुम भी बाहर नहीं रहोगे मोटे। और हम अदालत में गवाही देंगे कि जितना चोरी का माल है वो हमने तुम्हारे हाथों बेचा है। फिर ये होगा कि तुम अंदर और हम बाहर। तुम अपना सब कुछ बेच कर ये नुकसान पूरा नहीं कर सकते मोटे। बन जाओ अंकल, बन जाओ, बन जाओ अंकल, बन जाओ अंकल, अंकल ना अंकल। बच्चों, तुम्हारी आंटिया कैसी हैं? अच्छी है अंकल, बिल्कुल ठीक है। डिप्टी साहब, आप किनको पकड़ कर ले आए हैं? ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, ये मेरा पप्पू है, ये मेरा टब्बू है, और ये हमारे लड्डू अंकल हैं। लड्डू अंकल बड़े श्री बच्चे हैं, छोड़ो दफा करो इनको। ठीक है, आप जा सकते हैं। और हाँ सेठ साहब, हम बहुत जल्द ही आपको शनाख्त परेड के लिए फिर बुलाएंगे। डिप्टी साहब, मेरा ख्याल है कि अब इसकी जरूरत नहीं, हो सकता है वो दोनों ये शहर ही छोड़ गए हों। चले गए होंगे भाई, जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ। क्यों बच्चों? अरे अंकल, हम आपको छोड़ देते हैं। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पास टांगा अकाउंट है, वैसे भी मैंने अभी अपने गुर्दे चेक कराने हैं, और तुम दोनों ठीक हो, हटो ना यार। हम जाए डिप्टी साहब। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। आज डायमंड की दुनिया के मशहूर सौदागर एम एन खान की बेटी सुमेरा लंदन से पाकिस्तान आ रही है। अच्छा सर, वो अपने जाती जहाज से यहाँ पहुँचे। आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक उसकी सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम आपको करने हैं। ओके। तुमने कुछ सुना जी? मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुमने कुछ सुना है? नहीं, मैं तो कबूतर देख रहा था। वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र अदा करो हम खुली फजा में आ गए, वरना थाने में चक्की पीसते रहते हैं। तुम क्या सोच रहे हो, क्या फिर थाने जाने की सोच रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि डायमंड के सौदागर की बेटी समीरा शिकार अच्छा है। यार क्या तुम्हें बाहर की फजा अच्छी नहीं लगती जो फिर थाने जाना चाहते हो? नहीं जिमी, मेरा मतलब यह है कि छोटे छोटे हाथ मारने से बेहतर है कि एक बड़ा हाथ मारा जाए और शहर छोड़ दिया जाए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। और आज शाम वो आ भी रही है? बिल्कुल। ठीक है, मैं शाम तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलूंगा। नहीं, तुम ऐसा करो कि 5 बजे मेरे घर पर आ जाओ और हम दोनों इकट्ठे एयरपोर्ट चलते हैं। क्यों? तुम्हारे घर। ठीक, ओके ओके, बाय 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 बाय। देखो जी, मैं हम पामिस बनकर समीरा से मिलेंगे और अपनी जबान के जादू से उसका दिल जीत लेंगे। मेरे दोस्त, दिल तो उसके पास एक है, किसके हिस्से में आएगा? अरे ये तो किस्मत की बात है कि वो दिल किसको देती है। चलो ठीक है। ये क्या है? ये ब्रीफकेस, इसमें कुछ पामिस्ट्री की किताब है। ओ,
मैं तेरा चाबी भूल आया हूँ, इधर पकड़ना। ठीक है, मैं अभी आया। ओके। लरी रारा रे रू हा। जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। सारा बड़ा चालाक बनता था बच्चू, अब पहुंचो एयरपोर्ट इस होलिए में। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर सुल्तान एंड शी इज इंस्पेक्टर किरण। हाय, मुझे होम मिनिस्टर की तरफ से आपकी हिफाजत के लिए बुलवाया गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे अपने गार्ड्स हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम आजादी के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, वैसे भी हमें किसी से कोई खतरा नहीं। मेरी इत्तला के मुताबिक प्रिंसेस के साथ उसके अपने गार्ड्स हैं, जो बहुत तरबियत याफ्ता और बहुत ही फुर्तीले हैं। तुम्हें इन सबको बेबस करना है, लेकिन जान से नहीं मारना, और जब मैं आऊं तो मुझसे मार खाकर इस तरह भागना जैसे शेर के सामने से भेड़ भागती है। बाकी काम मेरा। अरे वाह वाह वाह, मेरे किराए के बहादुरों, कमाल कर दिया। ये कमबख्त कहां से आ गया? साले ने तो मेरी चाल को अपनी चाल बना दिया। अरे मारते क्यों नहीं? अरे मैदान छोड़कर भाग रहे। अरे अरे रुको, मैंने भी आना, मुझसे भी मार खानी तुमने। आए आए आए, ओ हो, अरे कोई है, मर गया। आए उठाओ। ओ हो, उल्लू के पट्टो पूछ लो। अरे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया, मेहनत हमारी। डिप्टी साहब, हमारे गार्ड्स तक को मिस्टर जिमी ने बेबस कर दिया। अगर ऐन वक्त पर मिस्टर जिमी ना आते तो शायद हम किडनैप हो जाते। उन्होंने हमें तो बचा लिया, लेकिन खुद इतने जख्मी हो गए कि उनके टांगे बिल्कुल बेजान हो गई। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आइए। तुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आपसे कहा था ना सर कि मैं एक निहायत ईमानदार और शरीफ आदमी हूं। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? आपका हाथ थाम कर मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने
अपने बिछड़े हुए भाई का हाथ थाम लिया। उसका हाथ बिल्कुल ऐसा ही था सर, ऐसा ही हाथ था उसका। भाई हाय हाय मेरा भाई, मुझे अकेला छोड़ गया। हौसला कीजिए, आप तो बहुत ही जज्बाती आदमी हैं। जिस इंसान के सीने में जज्बात ही ना हो, भला वो भी कोई इंसान होता है? मैं समीरा, हिम्मत कीजिए ना। कर तो रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूं। मैंने आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ फोर्स मुकरर कर दी है। एनी हाउ, ये मेरा कार्ड है, रख लीजिए, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लीजिएगा। बाय। कितना नेक पुलिस अफसर है, काश सारे के सारे ऐसे ही हो जाए। अच्छा समीरा जी, अब मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, हमें सब पता चल गया है, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपके हालात भी अच्छे नहीं है। आप अपना इलाज भी नहीं करवा सकते। जब तक आपका इलाज ना हो जाए, आप यहाँ से नहीं जा सकते। हम आपका बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। मगर आप फिक्र ना करें, हम जो आपके साथ हैं। Thank you.
बदलेंगे हालात मेरे, हीरे मोती सोना चांदी आएंगे जब हाथ मेरे। रंगों रूप का चोर हूँ मैं, कुछ चुराने को दिल चाहता है तो वही नहीं सोच रही जो मैं सोच रहा हूं। खैर, आप मुझ उचक्के की सोच तक कहां पहुंच सकती हैं? आप क्या सोच रहे थे? अरे जज्बात की मार मार लोहा गर्म हो गया है जी। अब मैं सोच रहा था जो हो नहीं सकता, आप कहां और मैं कहां। लेकिन जो हम सोच रहे थे वो हो सकता है, क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपको होना चाहिए था। लगता है जो मैं सोच रहा हूं अब तो वो होकर ही रहेगा। समीरा जी, जी समीरा जी, मैंने आपके बारे में एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है। क्या? यूं लगता है जैसे कोई आपकी जान लेना चाहता हो। आप हमारे बारे में फिक्रमंद ना हुआ करें, हमें कुछ नहीं होता। अब आपसे मिलकर यूं लगता है जैसे आप मेरी सोच का महवर बनकर रह गई हैं। जी चाहता है मैं साया बनकर हमेशा आपके साथ साथ रहूं, आपकी हिफाजत करूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो एक अपाहिज हूं, बेबस, मजबूर, मैं कर भी क्या सकता हूं। जिमी, जिमी, आप अपाहिज नहीं रहेंगे, हमारा वादा है आपसे, आप बहुत जल्द हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इंशाल्लाह। हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ प्यार ही प्यार होगा। माशाल्लाह। आपको पता है हमने आपके लिए किसको बुलवाया है? डॉक्टर को बुलाया है। दरअसल समीरा जी, मैं डॉक्टर के नाम से कुछ घबरा सा जाता हूँ। आप मायूस ना हो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको पता है वो दुनिया का काबिल तरीन डॉक्टर है, हमने बड़ी मुश्किल से उससे अपॉइंटमेंट ली है, वो कल आपको देखने आ रहा है। कल? हाँ कल। वेलकम डॉक्टर डोंगी। एक्सक्यूज मी मरीज, एक मिनट। आपका
चले मिस्टर जिमी, अपने डॉक्टर से नहीं मिलिएगा। ये है आपके डॉक्टर मिस्टर डांगी। हेलो हेलो। लगता है कि मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई। जी नहीं, आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई है, बल्कि आपको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था डॉक्टर डॉगी। देखिए, मुझे डांगी नाम मिला है और ये मेरी कास्ट है, आइंदा याद रखिएगा। जी अच्छा। अब इन टांगों में कुछ नहीं रखा है डॉक्टर साहब, अगर इन्हें टेस्ट करना ही है तो आपसे पहले आने वाले डॉक्टरों की टेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मुझे लेबोरेटरी के टेस्ट और मरीज की जबान पर बिल्कुल यकीन नहीं है, इनके टेस्ट मैं खुद दूंगा। आप ऐसा कीजिए कि इन्हें मेरे क्लिनिक में शिफ्ट करवा दें। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल के नाम से खौफ आने लगता है, मेरा दिल डूबने लगता है, अजीब अजीब ख्याल मेरे जहन में आने लगते हैं। मैं अस्पताल गया तो फिर लौट कर नहीं आऊंगा। समीरा जी, चाहे आप मेरा इलाज ना कराएं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, लेकिन मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। इलाज तो तुम्हारा होगा बेटा। बेटा? बेटा वो बात दरअसल ये कि मेरा एक बेटा था, छोटा था, बचपन में खो गया, अगर आज बड़ा होता तो बिल्कुल ऐसा होता। बहरहाल मैं तो मरीज को उसके कब्र तक नहीं छोड़ता, वहाँ जाकर भी इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि इनका इलाज घर पर ही हो? हाँ मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मुझे 24 घंटे इनके साथ रहना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, इनके साथ वाला कमरा आप ले लीजिए, हम अरेंज करवाते हैं। थैंक यू। काम बन गया। हाँ तो मरीज साहब, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल जाने पर तो एतराज था, लेकिन अब मेरे यहाँ रहने पर तो एतराज नहीं होगा ना बच्चू? अब तो इलाज होगा और धूम धड़क्के से होगा और दिन रात होगा। ओहो हो, इनका पट्टा मेरा इलाज करने आया है या मेरे पुर्जे ढीले करने आया है? हाँ तो मरीज साहब, इलाज शुरू करें। जी डॉक्टर अब्दुल गुप्तान। यस सर। 50-90 का पाना देना जरा। ओके सर। डॉक्टर साहब, आप मेरी टांगों का इलाज करने आए हैं या किसी ट्रक की मरम्मत करने आए हैं? बेटा देखते जाओ अभी, ये इलाज किसका होता है? सर मरीज बहुत घबरा रहा है, कहें तो इसकी आंखें बंद कर दूं? नहीं, इसको अपनी आंखों से अपना इलाज देखने दो। डॉक्टर साहब गर्दन नहीं, मेरी टांगे खराब है। बेटा इन टांगों का मेन स्विच तो इधर है ना। से इसकी टांगे ना बाहर निकल जाएं। मैं यही कह रहा हूं। इससे काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक शॉक से यार 10,000 वॉट चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इन चीजों से इलाज करेंगे? ये सब क्या है? ये क्या नहीं तरीका है, अगर आपको पसंद नहीं आप खुद कर ले। सॉरी डॉक्टर, प्लीज कैरी ऑन। रेडी करो। रेडी सर। On, off, on, off, on, off, on, off करो, on करो, off करो, करो करो। सब बस करें इसे। बंद करो। ये सब क्या है? इस तरह से इनकी हालत बिगड़ती जाएगी। आप नहीं चाहती तो ठीक है। आराला। नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज नहीं, इस तरह तो इनकी टांग कट जाएगी, प्लीज मत कीजिए ये। मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं ये आरा इस्तेमाल नहीं करता। मेरा माला बच जाओ।
मुकान। यस सर। इधर आओ। ओके सर। मरीज, तुम्हें इस मौला बख्श की ताकत का अंदाजा है? जी नहीं। अभी बताता हूँ। मेरी भी समझ थी। खामोश। चुप सब, बस बस कीजिए प्लीज, आज के लिए इतना ही काफी है, हमसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। ठीक है, तो फिर आज का इलाज इतना ही काफी है, इनको इनके कमरे तक पहुंचा दो। अच्छा जी। समीरा जी, मुझे आपसे कुछ तन्हाई में बातें करनी है, आइए। अपनी टांग तो ठीक ना करवा सके, मेरी भी तोड़वा दी, अब एक टांग पर लेके जा रहा हूं। आप जिमी को कब से जानती है? कुछ ही अरसा हुआ है। आपका उससे रिश्ता क्या है? जी, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसे कोई बीमारी नहीं है। जी जी हाँ, उसकी खून की रगें और खून की गर्दिश बिल्कुल सही काम कर रही है, और वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। लेकिन वो भला हमसे फ्रॉड क्यों करने लगा? वो तो हमारा मोहसिन है और हम उसे पसंद करते हैं। और वो? वो भी हमसे प्यार करता है। ठीक है, आज के बाद आप मुझसे प्यार करेंगे। जी जी हाँ, यही उसकी आजमाइश है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपको मेरे साथ महबूबा के रूप में देखकर चल उठेगा, और अपनी बीमारी को भूलकर अपने पांव पर खड़ा होकर मेरा गिरेबान पकड़ेगा। और वो अगर आपसे फ्रॉड कर रहा है तो वो एक बेहिस इंसान की तरह आपकी और मेरी मोहब्बत को देखकर। Thank you.
समीरा जी, समीरा जी, ये सब क्या है? क्या है? आपकी डॉक्टर से मोहब्बत और उससे नफरत। आप तो मुझसे मोहब्बत करती थी ना? वो हमारी भूल थी। और वैसे भी डॉक्टर तुमसे ज्यादा बेहतर और हैंडसम आदमी है। और एक नुमाया फर्क ये है कि वो डॉक्टर है और तुम एक अपाहज हो। ये क्या कह रही हैं आप? हम जानते हैं तुम्हें इसका दुख होगा, लेकिन क्या है कि हम दिल के हाथों मजबूर हैं। आपको आपकी खुशियां मुबारक हो समीरा जी। मेरा क्या है, आप ही की वजह से मेरी टांगें टूटी थी, आज आप ही की वजह से मेरा दिल टूट गया। आओ आओ, क्या पियोगे, चाय कॉफी या जहर पियोगे? यूं ही घूरते रहोगे या भौंकोगे भी? जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, तो मैं तुम्हें काटने आया हूं। लोहे का बदन है बेटा मेरा, काटोगे तो दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। इन दांतों में वो आग भरी है जो लोहे को भी पिघला देती है बच्चू। यहां मामला उल्टा है मेरी जान, बेबसी पर मातम तुम कर रहे हो। समीरा को मेरे साथ देखकर तुम्हारे तन बदन में आग लग गई है। आग लगी नहीं, आग बन गया हूं। जिमी, तुम अगर आग हो ना तो मैं फायर ब्रिगेड हूं। सिर्फ एक फवारे की मार हो मेरी जान, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और अपनी दुम दबाओ और जंगलों की तरफ निकल जाओ। अपने कानों की खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। यहां से मैं नहीं, तुम जाओगे। बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल। मजलूम बनकर समीरा के दिल में जो तुमने मोहब्बत के चिराग जलाए थे, वो मैं एक ही फूंक से बुझा चुका हूं। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा मेरे दोस्त। बाय बाय। मेरी जान के टुकड़े, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितने पानी में है। डॉक्टर,
आपको धोखा हुआ है। कैसा धोखा? आपने जो कुछ करना है आप कर लीजिए, मगर अब हम उसे बता देना चाहते हैं। क्या बता देना चाहती है? कि हमारा ये रवैया उस शक की वजह से था जो आपने हमारे दिल में पैदा किया था। देखिए मिस समीरा, मैंने कोई शक वक्त पैदा नहीं किया, ये खुद ब खुद पैदा हो गया। प्लीज आज मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं उसे खुद बता दूंगा। आपने बताइएगा और मैं अपने तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आज रात की मोहलत दे दीजिए। मैं उसका आखिरी टेस्ट लेना चाहता हूं। नहीं ठीक कर सके वो इस कंबख्त सांप की दहशत ने ठीक कर दी है। अब मैं आपके कदमों के साथ कदम मिलाकर चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, आपके साथ डांस कर सकता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप उससे नाराज हो गई? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका मरीज मरीज नहीं फ्रॉड। ये क्या कह रही है डॉक्टर साहब? ये वही कह रही है बच्चे जो सच है, और सच ये है कि तुम कभी अपाज नहीं थे। आप ठीक कहते थे डॉक्टर साहब, ये मक्कार इंसान किसी भयानक मंसूबे के तहत हमारे करीब आया था। अब तुम्हारी जगह इस घर में नहीं। आपके दिल में है? जी नहीं, किसी गटर में है। और इस शहर का सबसे बेहतरीन गटर यतीम खाने के चौक में है, और उसमें कूलर भी लगे हुए। कूलर तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चे, कूलर देखता हूं तुम भी कैसे जीतते हो। वो फ्रॉड है मिस्टर सुल्तान, ये साबित हो चुका है। उसकी टांगें भी खराब नहीं हुई थी, वो जरूर हमारी दौलत के पीछे था। बड़ी हैरत की बात है, वो सूरत से तो ऐसा नहीं लगता था। खैर मैं आ रहा हूं। मिस्टर मेरा, मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि मुझे सिर्फ इस फ्रॉड को बेनकाब करना था। इसके पीछे एक जज्बा था, प्यार का, मोहब्बत का। मैं बड़ा बदनसीब आदमी हूं, तमाम जिंदगी महरूमियों के सहारे रहा हूं, और महरूमियों के सिवा कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक आइडियल की तलाश थी। जब आप मिली तो वो आइडियल मुझे मिल गया। आप जिमी को चाहती थी इसलिए खामोश रहा, जब देखा कि वो आपसे फ्रॉड कर रहा है तो मुझसे चुप नहीं रहा गया। मिस समीरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके जख्मों पर अपने प्यार का मरहम रख दूं और आप मेरी आइडियल बनकर मेरी तमाम महरूमियों को खत्म कर दें? ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। चलो तुम जीत गए और मैं हार गया। लो ये रखो अपनी शर्त के 500 रुपये। तो रख लो यार, तो रख लो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुमने यही शर्त लगाई थी ना कि तुम समीरा के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दोगे, और मैंने कहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुमने कर दिया। और मैं आज भी इसलिए बना था कि समीरा के ज्यादा ज्यादा करीब रह सकूं और उस मसले का हल। छोड़ो यार, गुड लक ओके। खुदा ये क्या कह रहे? अरे बकवास करता है, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई थी। शर्त क्यों नहीं लगाई थी? अरे कहाँ लगाई थी शर्त? लगाई थी। नहीं लगाई थी यार। मैं कहता हूँ लगाई थी। नहीं लगाई थी। लगाई थी? नहीं थी। नहीं थी। नहीं। और तो मेरा क्या था यार? और क्या था यार, वो तो मैंने हमला करवाया था और तुम हीरो बनकर टपक पड़े थे। मैंने कहा ये मुर्गी देने वाली अंडा, तुमने कहा नहीं ये डायमंड देने वाली अंडा। मैंने कहा ये मेरा शिकार है, तुमने कहा नहीं मेरा शिकार है। मैंने कहा मैं इसे चाहता हूँ, तुमने कहा नहीं मैं इसे चाहता हूँ। और तुमने कहा कि इसको मैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार? तो दोनों फल के बेटा, वही वाला बेटा जो इसका बचपन में खो गया था। तो तुम भी फ्रॉड हो।
वैसे मैं तो वैसे ही हूँ मासूम, मैं तो कुछ कह नहीं रहा था, यही कह रहा था कि आप उसकी हीरे देने वाली मुर्गी हैं, मुर्गी। कितने घटिया हो तुम दोनों, दौलत के लिए इंसानों के दरवाजे खेलते हो। दिल जाता है तुम दोनों को हीरो के ढेर में दफन कर दूं। हेलो मिस, कहाँ है वो फ्रॉड? वो एक नहीं, दूसरा भी फ्रॉड साबित हुआ। वो दोनों बैथलॉन में है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप घबराइए मत, मैं भी उन्हें देकर आता हूँ। हाँ नहीं तो क्या रो? अरे रो या हंसो, अपने साथ मेरा भी काम तुमने बिगाड़ दिया। आपस की लड़ाई छोड़, सामने से देख तेरे पप्पा आ रहे हैं। अरे पप्पा होगा तुम्हारा और चाचा। अच्छा चल भाग ले भाई। दीप्ति साहब, आप यहाँ? यही सवाल मेरा तुमसे है। यहाँ इनकी बेटी रहती है समीरा, हमारी जाने जिगर, इनसे मिलिए। ये है एमएम खान, डायमंड की दुनिया का किंग, दुनिया इसे मार्शल भी कहती है। नाइस मीट टू यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आइए कुछ गपशप हो जाए। आज की मुलाकात इतनी ही काफी है मार्शल साहब, मेरा वादा है मैं बहुत जल्द और बहुत ही तफसील के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आप तो उन लोगों में से हैं जिन्हें देखकर मेरे अंदर वो सनसनी फैल जाती है जो इज्जत वालों को इज्जत देती है और जिल्लत के हकदारों को जिल्लत। वह तेजो मन दशा हो, वह तजिलो मन दशा हो, हमारे हिस्से में क्या आएगा डिप्टी साहब? फिलहाल तो इज्जत है, दूसरी मुलाकात के बारे में कुछ कह देना कबल अज वक्त होगा। एनीवे इजाजत चाहता हूं। तू गोलमोल बात कर गया है बलू का। वो मुझे आपके साथ देखकर चौंका है मार्शल। ये वही दीप्ति है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। आदमी खतरनाक है, हम अभी किसी की नजरों में आना नहीं चाहते, जबकि तुम्हें हमारे साथ देखकर हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम पार्टनर, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें करना क्या है। जितनी जल्दी हो सके
हमें इसकी मौत की खबर सुनाओ। ठीक है, तो फिर समझ जाओ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतजार को मस्ता दस्तर गो वाले पाला श्वेत जमा दस्तर गो अस्पताल जा रहा हूं, मेरी मां बीमार है। अल्लाह तेरी मां को मौत दे दे। मलूका, आमीन। तुम्हें याद है उस वक्त मेरी फूफी बीमार थी और तुमने मेरा रास्ता ऐसे रोका था। कबूल हो गई, मां मर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोलो अब क्या करना है? इंसानियत का तकाजा तो यही है कि इन्हें अस्पताल ले चले। वैसे यार कानून का तकाजा कि हम अंदर भी हो सकते हैं। अरे नहीं, बच भी सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि पुलिस के खातों में नेक नामी कमाने का अच्छा मौका है। ता ता ता।
हमारे लिए क्या हुक्म है डिप्टी साहब? जाएं के हथकड़ी लगाएंगे। मां जी को खून देकर और कानून की मदद करके तुम दोनों ने अपने जुर्म से बहुत बड़ी नेकी की है। जाओ, आइंदा नेक बनकर जिंदगी गुजारना। आपके मशवरे का शुक्रिया सर। इस कबीज को तो मैं बहुत समझाता हूं लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता। अच्छा सर, चलते हैं। खुदा हाफिज। मां जी को मिलते हैं। ओ मां जी, एक मिनट। अब आप ठीक तो है ना मां जी? मां जी, अब हम चलते हैं। अच्छा मां जी, चलते हैं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने उनको क्यों छोड़ दिया? किरण, उनकी नेकी उनके जुर्म से ज्यादा बड़ी थी। आखिरी फैसला यही है कि हमें दिलो जान से एक हो जाना चाहिए और कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे हाथ में आई हुई डायमंड का अंडा देने वाली मुर्गी को काबू कर सके। मैं समीरा से चोर बनकर जरूर मिला था लेकिन उसके प्यार ने मुझे उसका मुहाफिज बना दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं फिर से चोर बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि मैं भी समीरा को चाहता हूं लेकिन उसकी दौलत की चाहत उसकी चाहत से ज्यादा है। सुनो, तुम समीरा के पैर की धूल को भी नहीं पहुंच सकते, समझे? बाय। जिसे तुम तर निवाला समझ रहे हो जिमे, उसे मैं तुम्हारे लिए कांटों का निवाला बना दूंगा। बलू का किधर है? बलू का? मुझे क्या पता? वो आपके साथ था। अब तो नहीं है। तब तो था। तब वो वाकई मेरा मुलाजिम था जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मगर अब मुझे नहीं मालूम वो कहां है, क्या कर रहा है। बेहतर यही है तुम खुद उसे मिलो और उसी से पूछो। उससे तो मैं पूछ ही लूंगा लेकिन अब मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। उससे पूछने के लिए हिम्मत और ताकत लाओ मेरे बछड़े। पुलिस की धमकियों में आने वाला मैं नहीं, कोई और होगा। हेलो। हेलो समीरा, मैं जिमी। क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारे और मेरे दरमियान जो गलतफहमी पैदा हो गई है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो फासला बढ़ गया है मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। ये दूरी मुझे जीने नहीं देती। तो फिर मर जाओ। हेलो हेलो। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मरने से पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमें तुम्हारी सूरत से ही नहीं, आवाज से भी नफरत है। मैं इस नफरत को मोहब्बत में बदल देना चाहता हूँ। ये नफरत मोहब्बत से बदलकर इस दिल में आई है और इसका रंग इतना गहरा है कि अब इस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। तुम मुझे मौका तो दो। शट अप। फ्रॉड कहीं का। तुम बहुत घटिया और जलील तरीन इंसान हो। याद रखना, अगर आइंदा तुमने हमें फोन किया तो सुल्तान से कहकर ऐसा जेल भिजवाएंगे कि सारी जिंदगी जेल के अंधेरों में कट जाएगी। हेलो। बात कुछ समझ में नहीं आई। हर वक्त कानून और जुर्म की बात करती रहती, कभी अपनी बात भी किया करो। कैसी बात? मौसम की बात, चाहत की बात, प्यार की बात, आंखों की बात। सुनो।
समीरा जी, आज का खाना मेरी तरफ से और आपकी तारीफ। हमारे डैडी हैं। सॉरी, बात दरअसल यह है कि बैठ कर बात करो बालक जी। ओह सॉरी सर, माफी चाहता हूँ। सॉरी सॉरी सर, आप दूसरे टेबल पे आ जाएं प्लीज। ओहो बेटी, हमने आपको बताया नहीं था जिसके बारे में कि वही फ्रॉड है। सॉरी एक्सक्यूज मी, वो दरअसल आपकी पर्सनालिटी से देखकर नर्वस हो जाता हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए। सॉरी सॉरी, दोबारा नर्वस हो गया था, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है। बालक जी, वो आपका साथी कहाँ है? जिमी, देखिए उसका नाम मेरे सामने ना लीजिए, वो मेरा जानी दुश्मन ही नहीं, एक नंबर का मक्कार और घटिया आदमी है। आप यकीन करें कि मैं डॉक्टर बनकर सिर्फ इसलिए आया था कि समीरा जी आपको उसके बार से बचा सकूं। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन आपने भी तो, मैं मानता हूँ मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ये कभी नहीं मानूंगा कि मेरे दिल में आपके लिए किसी बुरी नीयत का तस्वर था। आप समझ रहे चाचा जान, समझ रहे ना, आप समझ रहे हो चाचा जान? समझ रहे हैं, आप बोलते जाइए बालक। चाचा जान, आप बोलने के लिए क्या रह गया है, एक रिश्ता मैंने आपके लिए बनाया, अब दूसरा रिश्ता आप मेरे लिए बना दे। कैसा रिश्ता? प्लीज आप मुझे अपना ससुर बना ले। बेटी आपकी भी है बालक? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप मुझे अपना ससुर बना ले, यानी आप मेरे ससुर बन जाए, और मैं आपको अपनी गुलामी में लेना चाहता हूँ। गलत बोल गया, दरअसल मैं आपकी गुलामी में आना चाहता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नेक बनकर जीऊंगा और आपकी बेटी की खातिर जान तक लड़ा दूंगा, और कोई माई का लाल आपकी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सेठ, नहीं देख सकता। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, बालक बैठो 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 बैठो, ऊपर बैठो ऊपर। ये क्या बदतमीजी? बेटे बेटे बैठो भाई, बैठो ना। मैं जरा यहाँ बैठ नर्वस। एक बात तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप है? क्या हैं? बहुत से हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बहुत ही नमाजी और परहेजगार हैं, एक मैं ही बदतमीज लुच्चा लफंगा बदमाश आवारा किस्म का आदमी हूँ। अच्छा, तो फिर आप हमारी उनसे मुलाकात का बंदोबस्त कीजिए, फिर हम सोचेंगे, फिलहाल आप जा सकते हैं। सुना नहीं कि आप जा सकते हैं, चलिए यहाँ से, चाहिए ना। डैडी जी आपने क्या कह दिया, हमने आपको बताया तो था। तुम देखती जाओ बेटा, मैं इस लड़के के पीछे कुछ और देख रहा हूँ। आई मीन बुरे को उसके घर तक पहुँचाना चाहिए ना, ताकि वो फिर आपके घर का रुख न करे। मुझे यकीन है कि वो एक लावारिस लड़का है, ना उसका बाप है और न माँ। आओ आओ चिकने, बैठो, बोलो क्या पियोगे? अरे पीना वीना कुछ नहीं। लड़की चाहिए? मुझे लड़की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। क्या बकवास कर रहा है, मेरी उम्र तो देख। अरे तेरी उम्र ही की तो चाहिए, बड़ा तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन तेरे जैसी होशियार कहीं नहीं मिलती। देख जा जा, अकल के नाखून ले, अपनी उम्र देख और मेरी उम्र देख। अरे सब देख सोच के तो फैसला किया है, बोल मेरे साथ चलने के लिए कितने पैसे लेगी? मैं तेरा सर तोड़ दूंगी, तूने क्या समझ रखा है मुझे? माँ, मुझे माँ चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए। एक बहुत अमीर आदमी है, तुम्हें माँ के रूप में सीढ़ी बनाकर उसकी तिजोरी तक पहुँचना है। माँ के रेट बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं कभी माँ ही नहीं बनी।
रेट वो जो तुम कहोगी, एक्टिंग वो जो मैं कहूंगा। मंजूर है? मंजूर है। अरे नकली माँ का तो इंतजाम हो गया, अब देखना यह है कि नकली बाप कौन बनेगा। सुन वे बलोरी अखवालिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी बंदा बन जा। ओ चलो चलो, कमाल है, आंटी सुनी नहीं, ये पहले ही रोटियां और बोटियां मांगने आ गया। सब्जी और चिरागदीन जी, चिरागदीन जी साहब जी, चिरागदीन। हाँ जी चिरागदीन। तो कौन तुम मेरे बाप बन सकते हो? तो मैं साहब जी, आप मुझे गालियां दे रहे हैं। अबे मैं तुझे किसी कुत्ते का बाप बनने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, अपना बाप बनने के लिए कह रहा हूँ। तुमने मेरी माँ के साथ जाकर मेरा रिश्ता मांगना है? आपकी माँ के साथ? हाँ आपकी माँ के साथ। क्या कह रहे हैं साहब जी, क्या मुझे कब्रिस्तान जाके निकाल दो? अरे बकवास ना करो, मैंने तेरे लिए ताजा ताजा नीली नीली पीली पीली हरी हरी काली काली मोटी मोटी माँ तैयार की है, साहिवाल से मंगवाई है। और बकवास ना करो साहब जी, कैसी है? कैसी है देखो, बात सुनो, बहुत चालाक औरत है। नहीं, तुमने अपनी साफ रखनी है। कोई बात नहीं, ठीक है, शरीफ औरत से तो वैसे भी मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है, हैंकी पैंकी ना करना। तुम्हें अपना बाप बनाकर और उसे अपनी माँ बनाकर मुझे अपने होने वाले ससुर के पास जाना है। ये मेरे डैडी है, ये मेरी मम्मी है। डैडी? नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे डैडी है। प्लीज टू मीट यू। है जी। डैडी मेरे जरा ऊंचा सुनते हैं। डैडी ये कह रहे हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हौली बोलो साहब जी, क्यों मेरे कन्न का सिली पर्दा भी पाड़ने लगे हो? खुशी हुई ना। खुशी होगी तो सेहत मेरे जैसी होगी। आइए तशरीफ रखिए ना, प्लीज बैठे, अभी तशरीफ रखिए प्लीज। डैडी अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ, नमाज पढ़ते हैं ना। वजू टूट जाएगा यार। सिगरेट जी? शुक्रिया शुक्रिया मम्मी। वो बात ये है कि मैं जब तक सिगरेट अपने मुंह से सुलगा कर इन्हें पेश ना करूं, इन्हें मजा ही नहीं आता। वो बात दरअसल ये है कि मम्मी को मीठे सिगरेट पीने का बड़ा शौक है। हाँ। इसलिए डैडी को भी इसी पर लगाया हुआ है। ओ नहीं नहीं, मैं कौन सिगरेट पीता हूँ, मैं क्या तेरे को है थोड़े का सिगरेट जी? डैडी जरा कौन शुरू होता है ना। बाय द वे आजकल आप करते क्या है? ओ जी बाय द वे नहीं, तई द वे, मैं घर की सफाई सफाई करता हूँ और सब को खाना शाना खिलाता हूँ जी। डैडी फिर खुद ही समझा दो ना। सर बात दरअसल ये है कि मेरी सात बहनें मरी तो मैं पैदा हुआ, मैं इनका अकलौता बेटा था। ये प्यार से बचपन से ही मुझे साहब कहते चले आ रहे हैं और तब से अब तक साहब ही कहते चले आ रहे हैं और बड़ी सफाई से खाना खिलाते हैं। क्यों डैडी, खिलाते हैं ना? आओ जी, तीन लोटे पुन पुन आके टिक टिक आके। आपकी कोई लड़की वड़की? क्यों नहीं क्यों नहीं, अल्लाह के फजलो करम से पूरी 50 हैं, एक से बढ़कर एक। अगर हुजूर शौक फरमाए तो पेश करूं जी। क्या कह रही हैं आप? साहब जी मेरे को ये काम नहीं होता, मैं चला। डैडी मम्मी जी जी, मम्मी आप मुनासिब वक्त और जगह तो देख लिया करें। डैडी बात दरअसल यह है कि मम्मी के पास 50 यतीम लड़कियां हैं जिन्हें बेटी बना के रखा हुआ और वक्तन फवक्तन उनकी शादियां वादियां करती रहती हैं। सामाजिक कारकुन है और हर अमीर आदमी से तवक्को रखती है कि इनका हाथ बटाए। अच्छा अच्छा, तो फिर हम भी इस नए काम में इनका साथ देंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिलहाल तो जिस काम के लिए मिल बैठे हैं उस बारे में बात करें। आप दोनों को आज तकलीफ इसलिए दी है कि आपका लड़का हमारी लड़की से शादी करना चाहता है, आप दोनों का क्या ख्याल है? ओ जी हमारा क्या ख्याल होगा, हमने तो हाँ में हाँ मिलानी है और हांडी पकानी है। इनका मतलब है कि ये शादी की दावत में खूब अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे। शादी दावत कितों? वही 50 लाख वाला बंगला। अच्छा उठो। आई सी कितने गई सी? मैं क्या साहब जी, आपने यो इतना बड़ा हाल बनाया हुआ है, इसमें क्या मुझे करवाते हैं? छह दफा। अंकल डैडी का मकसद ये है कि जब आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे तो ये थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। हमें यकीन हो गया बालक कि तुम हमारे दामाद बन सकते हो। दामाद?
दामाद। नजरों को ये गुल रंग जवानी, छू लेने दे नजरों को ये गुल रंग जवानी, पास मुझे आने दे ऐ जलवों की रानी, मेरे लिए ही रब ने बनाया है ये तेरा चेहरा, मिला नजरें दिखा चेहरा, मिला नजरें दिखा चेहरा, कुछ तू भी दीवाना है कुछ मैं भी दीवानी, कुछ तू भी दीवाना है कुछ मैं भी दीवानी, हो जाए ना हमसे आज कोई नादानी, कर दिया तेरी नजरों ने गुलनार मेरा चेहरा, न कर बैठे रंगों में बदले घोला खुशबुओं का पानी, उस पानी में प्यार मिलाया फिर बनी तेरी जवानी, एक तो ये भरपूर जवानी उस पे सजा चेहरा, मिला नजरें दिखा चेहरा, न कर बैठे क्यों नहीं जवाब दो,
कहती है जवाब दो, क्यों आए हो यहाँ? कभी कभी इंसान को अपना हक मांगने के लिए चोर दरवाजे से भी आना पड़ता है, और मैं तुम हो ही चोर, फ्रॉड, धोखेबाज। यकीनन इस वक्त भी तुम किसी अच्छी नीयत से नहीं आए। देखो, मेरी नीयत पर शक न करो। जिसका मियार पैसा, जिसका ईमान पैसा, जो ये समझता हो कि जिंदगी में दौलत ही सब कुछ है, तो उस पर शक नहीं, यकीन कर लेना चाहिए कि वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। समीरा, तुम मुझे मिस्टर जिमी, इंसान अगर किसी बुलंदी से गिर जाए तो वो जिंदा बच सकता है, लेकिन अगर किसी की नजरों से गिर जाए तो वो हमेशा के लिए मर जाता है, और तुम हमारी नजरों से गिर चुके हो। जानता हूं। फिर क्यों आए हो? क्या मकसद है तुम्हारा हमारे बेडरूम में इतनी रात गए आने का? मकसद बताने के लिए? मकसद नहीं, अपनी बुरी नीयत बताने आए हो। तुम समझते होगे हम तुम्हें अपने बेडरूम में देखकर खौफजदा हो जाएंगे। तुम हमें ब्लैकमेल करने की धमकी दोगे और हम तुम्हारे कदमों में रुपए पैसे की ढेर लगा देंगे। पैसा, पैसा, पैसा। मैं जानता हूं ये पैसा अपनी चमक और अपनी ताकत से इंसान को बहका देता है, नजरों से गिरा देता है, लेकिन लेकिन तुमने शायद किसी इंसान को अपने जमीर के जाल में फंसते हुए नहीं देखा होगा। जमीर अगर जिंदा हो तो जमीर अगर जिंदा ना होता तो मैं यहां क्यों आता? किसी नए फ्रॉड की तैयारी कर रहा होता। मैं यहां सिर्फ अपने जमीर का कर्ज उतारने आया हूं, तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। मैं यहां धोखेबाज बनकर आया जरूर था, लेकिन यहां आने के बाद धोखेबाज नहीं रहा। बातों से जज्बे साबित नहीं किए जा सकते। मैं तुम्हें अपने जज्बे की सच्चाई का सबूत दूंगा। कितना वक्त चाहिए तुम्हें सबूत लाने के लिए? सबूत मैं तुम्हें अभी दिए देता हूं, वक्त का तयन तुम खुद कर लो कि तुम्हारे दिल से शक का जहर निकलने में कितनी देर लगेगी। अब यह हाथ उस वक्त तक यहां से नहीं उठेगा जब तक तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आ जाता। पागलपन है, ये मेरे जज्बों का सबूत है। इस हाथ की लकीरों में आप क्या देख रही हो? इस हाथ की लकीरों में मोहब्बत की वो शिद्दत देख रही हूं जिसने हमें पिघला कर रख दिया है। हमें मोम की तरह नाजुक बनाने वाले अब खुद कभी पत्थर ना बन जाना। मैं तो हूं ही पत्थर, और इस पत्थर पर अब सिर्फ एक ही नाम लिखा है, समीरा, और ये नाम उसी तरह सच है जिस तरह पत्थर की लकीर हमेशा के लिए सच होती है। ये लकीर मिट जाएगी जब ये पत्थर रेजा रेजा होकर मेरे कदमों में गिरेगा। समीरा, इससे दूर हट जाओ। तुम कौन होते हो हमें दूर हटाने वाले? अभी तो कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ बनने वाला। सुनो यार, तुम ऐसा करो, तुम इसके भाई बन जाओ ताकि साले के रूप में मैं तुम्हें माफ कर सकूं। आइडिया अच्छा है जिमी, ऐसा करते हैं कि खालाजाद भाई बन जाता हूं ताकि थोड़ा सा उसमें मार्जिन रहे। ठीक है। हेलो जिमी, क्या कर रहे हो यार? कम से कम बता के तो मारा करो भाई। बता के मारो? ठीक है, आप बताता हूँ और तुम मेरे को रोको। अच्छा ठीक है। अरे क्यों दुरुस्तियां मार रहे हो यार? Ah! 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 Ah!
Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Aye! चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं अभी जिंदा हूं। क्या आप मुझे खुशखबरी सुनाएंगे कि मेरा दुश्मन मर चुका है? ओ दुश्मन, ये बुरी खबर खुद मुझसे सुन ले। मैं अभी जिंदा हूं। मत भूल, मौत मरती नहीं, मारती है। मौत की सूरत देखो। अरे इस फटीचर मौत से मरना भी जिंदगी की तौहीन है, जिसे खुद डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। जरूरत तो तुझे भी है हड्डियों के स्पेयर पार्ट्स की, लेकिन तेरे साइज का घटिया इंसान अभी कोई मरा नहीं ताकि उसके स्पेयर पार्ट्स तुझे मिल सके। मेरी हड्डियां भी सलामत है बच्चे, आए इनमें अब भी इतनी ताकत है कि तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दे और तुम्हारे बदन के गोश्त को गली के आवारा कुत्तों के सामने फेंक दे। आए! अबे कुत्ते कुत्तों का गोश्त खाते हैं, शेर का नहीं। तुम शेर हो तो मत भूलो, मैं बब्बर शेर हूं। आए! अबे बब्बर शेर की औलाद, मैं तेरी अतड़ियों का सेहरा बांधकर समीरा से शादी करूंगा। मैं समीरा से शादी होगी मेरी, और उसके हाथों पे मेहंदी लगेगी तेरे खून की। अरे शादी होगी मेरी, तेरी कहां से होगी? मैं कहता हूं मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी उससे? मैं कहता हूं मेरी शादी होगी उससे। अरे मैं तो तुझे रुखसती से पहले रुखसत कर दूंगा। हाँ अच्छा, ये ले बेटा, ये देख ये मैं। अच्छा आ जा बच्चे, आ जा आ जा, शादी करेगा। ये ले बेटा, शादी करेगा। ये तुझे पता है, ये छुआरे छुआरे खाएगा ना। एक दफा मुझे खड़ा होने दे बेटा, जल्दी खड़ा हो। एक सेकंड कर हमला। आ जा, क्या मुसीबत है? हो गया हो गया, उठ के दिखा एक दफा। क्या हुआ आप लोगों को? ये सब ताला को खाना तो नहीं है? ये लो बिल जाकर अदा करो और बाहर जाकर जो मर्जी करो। नर्स, मेरा बिल? तुम्हारा बिल अदा हो गया। किसने अदा किया? हमने दिया है। और ये तो कुछ भी नहीं, हम तुम्हें इनाम में बहुत कुछ देना चाहते हैं। इनाम? किस बात का इनाम? तवाइफ नीलोफर को माँ और खानसामा को बाप बनाकर हमारा दामाद बन जाना कोई मामूली बात नहीं। क्या हुआ? तुम चालाक हो और फ्रॉड भी हो, हमने तुम्हें इन्हीं खूबियों की वजह से चुना है। हम चाहते हैं कि अब तुम ये छोटे छोटे काम छोड़कर हमारे लिए कोई बड़ा काम करो। कैसा काम? काम बाद में बताएंगे बरखुरदार, पहले हमारी ऑफर तो सुन लो। हम तुम्हें इस काम के बदले बड़े से बड़े मुल्क की नेचुरलिटी दिलवाएंगे, समीरा से शादी करवाएंगे और हनीमून इंजॉय करने के लिए $1,00,000 देंगे। मुझे करना क्या होगा? तुम्हें इस मुल्क के तमाम सरहदी इलाकों की वीडियो फिल्म बनानी होगी। मगर ये काम तो बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक काम कर दोगे तो हम ही खुश नहीं होंगे, हमारे ऊपर कुछ और लोग भी हैं, वो भी बहुत खुश होंगे। और जब वो लोग खुश हो जाते हैं तो आदमी जमीन की खाक से उठकर आसमान का चांद बन जाता है।
बोलो मंजूर है? समीरा के साथ अगर इतना सब कुछ मिल जाए तो मैं आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकते। ये तुम हमें कह रही हो समीरा? अपने बाप को? दुनिया आपको मेरा बाप समझती है, लेकिन आप वो गिद्ध हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदा लाश को नोच नोच कर खा रहा है। कोई नहीं जानता कि आप एक ब्लैकमेलर हैं और मैं एक यतीम लड़की जो आपके हाथों खिलौना बनी हुई है। तुम ये क्यों भूल जाती? इस खिलौने को हमने प्यार और इज्जत के रंगों से सजा रखा है। प्यार और इज्जत के रंगों को आप क्या जाने? आपने तो जुर्म की स्याही थोप रखी है मेरे माथे पर। मैं अब वो स्याही धोना चाहती हूँ मार्शल साहब। जिमी मेरा प्यार है, मैं उसके प्यार की दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। उसके दामन में अपना चेहरा छुपा कर धोना चाहती हूँ। जितने भी आंसू है मेरी आंखों में सब बहा देना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे आंसुओं से भीगे हुए अपने दामन से मेरे माथे की स्याही धो दे, मुझे इज्जत की जिंदगी दे दे। ऐसे हसीन ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए आंसुओं से भीगे दामन की नहीं खून की जरूरत है, और वो खून तुम्हें हम देंगे, तुम्हारी बहन का खून। नहीं। हमेशा भूल जाती हो तुम कि तुम्हारी बहन बजाहिर आजाद है, लेकिन हमारी बंदूकें मुसलसल उसके सर का निशाना लिए हुए हैं। अगर तुम चाहती हो कि हमारी बंदूकें इसी तरह तुम्हारी बहन का ताकुब करती रहे, बारूद न उगले, तो पहले की तरह हमारी बेटी बनकर वही करती रहो जिसका हम हुक्म दे रहे हैं। तुम्हें जिमी से दूर रहना होगा, उसे नफरत करनी होगी, प्रिंस के करीब जाना होगा, उससे मोहब्बत करनी होगी। ये क्या कह रही हो? हम ठीक कह रहे हैं, हम प्रिंस से शादी कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी है? ये हमारे डैडी की ख्वाहिश है। तो क्या तुम अपने डैडी के कहने पर अपने प्यार को कुर्बान कर दोगी? क्यों नहीं, हम उन बेटियों में से नहीं जो तुम जैसे लड़कों के लिए अपने बाप की सत्ताओं पे लगा देती हैं। हम तो उन बेटियों में से हैं जो अपने बाप के कहने पर तुम जैसे हजारों लड़के कुर्बान कर दे। आइंदा हमें मिलने की कोशिश मत करना। का मतलब तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत अदा की है।
अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, प्यार सिर्फ एक बार किया जाता है और वो हमें जिमी से है। अब तुम्हें जिमी से नफरत करनी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारी खातिर इस मुल्क की खूबसूरती को बेच डाला है। मैंने इस मुल्क की खुफिया जगहों का वीडियो कैसेट बनाकर मार्शल के हवाले कर दिया है सिर्फ तुम्हारी खातिर। ये क्या किया तुमने? ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है और तुमने मेरी खातिर, एक औरत की खातिर इसे इतनी आसानी से बेच डाला। कितने नीच हो तुम, कितने घटिया हो तुम। I hate you. कितने नीच हो तुम, कितने घटिया हो तुम, कितने घटिया हो तुम, कितने नीच हो तुम। I hate you. प्रिंस, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। ऐसा करो तो वो कैसेट जाया कर दो। लेकिन वो कैसेट तो मार्शल के पास पहुंच चुका है। मार्शल के पास? लेकिन हमें हर हालत में वो कैसेट वापस लेना होगा। नहीं जिमी, ये कांटों का रास्ता मैंने खुद बिछाया है, इसके कांटे भी खुद ही चुनूंगा। फारिस से आने वाले उस कैसेट के खरीदार अब उस कैसेट को नहीं खरीद सकेंगे। एक हिमाकत कर बैठे हो, अब दूसरी हिमाकत मत करना। हम सब साथ जाएंगे। वो कैसे? खरीदार बनकर। अब तक तूने आ जाना चाहिए था, देर हो गई है। वेलकम 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 वेलकम। ओके 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 ओके। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? हाउ आर यू? चू चिंचाओ चुआ चिंचा चेला पोचिंचा टंग फोंग ताइवा। वेरी गुड वेरी गुड। हाउ आर यू फ्रेंड्स? चायला पोयला चीचा तीनों ठीक ठाक होया। तेरे चाला तेरा खाना खराब तो होया। व्हाट? क्या वीडियो कैसे तैयार छो? चीला पोयला देर छो? सब तैयार है। करेंसी किधर है? चिंगलिंग चिंगलिंग कैसेट लिंग किसकी छे चोवा चावली चौम आप ये क्यों चोया जी मान जूंगा चूला जी नमो वो चूया इस बार माफिया ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस्म के आदमी भेज दिए? चीना मापा थप्पड़ पाया चोला मापा चाहे आप चोया पहले कैसेट दिखाया चीला पोया करेंसी बाद में टोया चोया जीना पो जीना दो सुन पोया चूमा चू कैसेट पहले करेंसी घबराहट शुरू पाया तुम्हारी कहानी का एंड मार्शल। ये रिवॉल्वर मेरी कनपटी पर रखकर तुम अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा रही हो। बहन की जिंदगी मुल्क की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। मेरा जमीर भी जाग गया मार्शल।
ये दिल में ठान कर आया हूँ कि मर जाऊंगा या आज के बाद इस तरह जिंदा रहूंगा कि जिंदगी को कभी शर्मिंदगी ना हो। तुम्हें हमारे हाथों से मरना है या कानून की अदालत में जाना है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला हमारे हाथ में है, ये देखो। बहुत ताकतवर मेघनाथीस है ये, हथियार भी इसके सामने आकर झुक जाते हैं। तुम भी अपना सर झुकाकर ये कैसे मार्शल साहब को वापस कर दो, नहीं तो ये मेघनाथीस जिंदगी छीनने की ताकत भी रखता है। जल्दी करो। कोशिश न करना वरना ये गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। अरेस्ट हिम। इन सब भागने की कोशिश ना करना। दीपी!
ये क्या बदतमीजी है यार? अब क्या हो गया यार? नहीं, इसकी हवा निकल गई है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों एक ही साल के मॉडल हैं भाई। ये तुम्हारे हिस्से में आई है और ये मेरे हिस्से में। ये मेरी, वो तुम्हारी। भाई देखो, दोनों एक ही फर्मे की है ना। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ ना, तो मैं तुम्हारी वाली से अपनी वाली बदल दूंगा। हाँ। सारी उम्र के लिए। Do-da-da, do-da-da.